सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और भाई अभी जस्ट मैं नहा धो के निकला और कसम से इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इवन मेरे हाथ से व्लॉग शूट करने में भी दिक्कत हो रही है, बिकॉज हाथ भी कांप रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई जल गाँव में, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है। मतलब दो हफ्ते तो हो ही गए होंगे एज यूजली, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है जलगाँव में, पता नहीं क्या ही सीन चल रहा है। एनीवेज हर्षाली अभी बस चाय वाय बना रही, फिर चाय वाय पीते और निकलते हैं भाई अपने क्लास के लिए। अब फिर से रेगुलर सब स्टार्ट हो गया अपना। तो भाई लोग फाइनली अभी फिलहाल मैं बाल बाल सेट करके रेडी होकर निकल रहा हूँ भाई क्लास के लिए। तो भाई लोग फाइनली अभी फ़िलहाल मैं मस्त घर पे पहुंच गया हूँ भाई। कसम से बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी मैं क्लास से कभी घर पे जाऊँ, कम से कम आधा घंटे के बाद, तो हम आधा घंटे तो वहीं पे रुकते हैं फिर आते हैं। आज फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी घर पे आया हूँ क्लास छूटने के बाद। एनीवेज शूज़ वूज़ निकालते हैं और चलते हैं अभी। सो भाई लोग अभी फ़िलहाल हो रखी है भाई शाम और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पहले हमको जाके भाई हर्षाली को डांस क्लास छोड़ना है, फिर वहाँ से मार्केट जाना है। बिकॉज मैं अकेला ही तो था घर पे दो तीन दिन से, तो घर पे मैंने कुछ सब्जी अला ही नहीं, बिकॉज मेरे फ्रेंड टिफ़िन लेके आ रहे थे तो उसी में सब हो जा रहा था, तो सब्जी वब्जियाँ तो मैंने कुछ लाई नहीं है। लेकिन अभी कल मम्मी पापा जी या फिर शाम, नहीं कल ही आएंगे शायद से, अब तो कल मम्मी पापा जी सब रिटर्न आ रहे हैं ना, तो सब्जी वब्जियाँ लगेंगे भाई। माँ अभी सैटरडे मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो फटाफट से रेडी होते हैं। मैं उसी तरह सेंडो के अंदर ऊपर यही स्वेटर पहन के लेके जा रहा हूँ। और हाँ यार भाई लोग, एक और बात, लास्ट नाइट ही जलगांव 5 डिग्री पे चला गया था। कसम से बोल रहा हूँ भाई, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है जलगांव में, क्या ही सीन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच में एक हफ्ता इतना ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड है लास्ट, मैं बता रहा हूँ भाई कसम से, 5 डिग्री था टेम्परेचर था कल रात को। कसम से पूरी तबाही मचा दी भाई ठंड ने, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रखी है। एनीवेज नीचे चलते तैयार वैर होते और निकलते मार्केट के लिए। सो भाई लोग फाइनली फिलहाल हम लोग रेडी हो गए भाई, मेरी वॉच नहीं मिल रही है और सुबह से दीदी सब काम सामान, मतलब हॉल में सब इधर उधर सब चीज़ें दीदी कर रही थी, और अब पूछ रहा हूँ भाई बता नहीं रही जगह पे रखते नहीं आता है। हाँ डेस्क पे होती है भाई, ये फिक्स है। घर में किसी को भी पूछ लो मेरी वॉच कहाँ पे मिलती है, सब यही बताएंगे डेस्क पे ही। मैं बताती हूँ किधर भी मिलती है उसकी वॉच। हाँ ठीक है ना। सो भाई लोग चलो फाइनली अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे थे भाई मार्केट, और भीड़ तो हो रखी है भाई यहाँ पे भी, लेकिन कम है बिकॉज ये छोटा वाला मार्केट है, जो कि ऐसे ही मतलब हर दिन लगता रहता है, तो इतनी भीड़ होती है नहीं यहाँ पे। ये धार रुपए। चलो दीदी अभी टमाटे सेलेक्ट करे भाई, मैं वैसे टमाटे बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, तो इस बार शायद से कम लेंगे, मैं मूड नहीं हो रहा भाई अभी कुछ खाने का। भाई लोग मार्केट की इरिटेटिंग वाली थिंग्स स्टार्ट हो गई, मतलब वही सब चिल्लाते रहता है भाई, ये इतने किलो वो इतने रुपए किलो, जो कि कसम से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। और मेरा रेगुलर वाला वर्क बैग पकड़ के घूमना बस वही स्टार्ट है, वो चाहे मैं मम्मी के साथ हूँ या फिर दीदी के साथ। भाई ट्रूली बोल रहा हूँ, 15 मिनट हुए नहीं मैं इरिटेट हो गया इस भीड़ में, मैं इरिटेट हो गया भाई अभी से, कसम से बोल रहा हूँ यार। और इनके अलग भाई, मतलब इतनी जाम रोड में भी बाइकें लेके घूम रहा है भाई, गुस्सा आता लेकिन बोल नहीं सकते कुछ कि पब्लिक रोड है भाई। सो भाई लोग अभी फ़िलहाल जस्ट हम लोग घर पे पहुँचे और भाई फुल्ली हालत ख़राब है। एनीवेज अंदर चलते भाई और आराम करते थोड़ा सा, मेरा पता नहीं सिर दर्द करने लगा। सो भाई लोग आई नो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा चल रहा, लेकिन भाई कम ही हो पाया, बिकॉज दिन भर से मैं थोड़ा सा थका हुआ था, दो तीन दिन तो ऐसे ही हालत होने वाली है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में सोच रहा था भाई, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सजेस्ट भी करा है कि डेली व्लॉग्स डालो लेकिन शॉर्ट व्लॉग्स, डेली शॉर्ट व्लॉग्स,
तो मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो आप सब बताओ भाई, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी फिक्स, मैं मतलब डेली व्लॉगिंग मतलब कंप्लीट व्लॉग तो वैसे अच्छे ही होते ही हैं, लेकिन शॉर्ट व्लॉग्स के भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किए हैं मुझे, मतलब कम से 40% लोगों ने तो मुझे कहा है, सजेस्ट किया है कि शॉर्ट मिनी व्लॉग्स अच्छे हैं। तो फिर मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ 2-3 दिन से। तो आप कमेंट्स में बताओ भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मतलब फिक्स तो अभी भी नहीं हुआ है मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मैं वही उसी बारे में सोच रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो यार अगर शॉर्ट व्लॉग्स की बात आती है तो फिर मतलब व्लॉग भी कम होता है, लेकिन भाई व्यूज़ वो सब तो इंक्रीज हो ही जाते हैं। तो मैं उसी बारे में सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो सब आप कमेंट्स में बता दो, तब तक ऐसे नॉर्मल व्लॉग्स चलते रहेंगे। एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, मैं जस्ट उसी बारे में सोच रहा हूँ। फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आप सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।